वहीं दिल्ली में बीजेपी ने विपक्ष का सफाया कर दिया है। ये चुनाव आपके लिए वैसा ही रहा जैसा 2014 में था, यानी कि आप अपना खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन इस चुनाव ने आपको दिल्ली में तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कोई भी चीज जितनी तेजी से ऊपर उठती है वो उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। इस बात का वास्तविक प्रमाण भारतीय राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। एक समय था, उस वक्त एक आंदोलन देश में जन्म ले रहा था। उस आंदोलन का नाम था अन्ना आंदोलन। इसी आंदोलन की ऊर्जा से उठकर एक आदमी दिल्ली की सत्ता पर जा बैठा। उस शख्स का नाम था अरविंद केजरीवाल। जीत का स्वाद तो पहली बार में ही चख लिया था, सत्ता गठबंधन से मिली, लेकिन जब दोबारा मैदान में उतरे तो इतिहास रच डाला। 70 में से 67, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक नई नई पार्टी कुछ ऐसा कर पाएगी, लेकिन वो दौर और आज का दौर काफी ज्यादा बदल गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने नया कीर्तिमान रच डाला था। आपने विधानसभा की 70 सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी उस वक्त के विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। सबसे बुरी गत तो कांग्रेस की हुई थी, जो अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीति में बीजेपी का किला ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी की सीएम प्रत्याशी किरण बेदी सबसे सुरक्षित माने जाने वाली कृष्णा नगर सीट से चुनाव हारी थी। 70 में से 67 सीटें अपने नाम करने वाली आम आदमी पार्टी का भविष्य आज ऐसे अंधकार में है कि पार्टी खत्म होने की कगार पर है। ऐसा क्या हुआ कि एक जन आंदोलन से जन्मी पार्टी आज अर्श से फर्श पर आ गई है? क्या ये सिर्फ मोदी लहर का असर है या फिर केजरीवाल खुद इसके लिए जिम्मेदार है? दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद से ही ऐसा लगने लगा था मानो बीजेपी को दिल्ली में जीत के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जनता ने इस बार केजरीवाल को ऐसा ठुकराया कि आप हाशिए पर चली गई और तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई। केजरीवाल की तमाम गलत नीतियां और उससे सबकी नाराजगी केजरीवाल सरकार को ले डूबी। आम आदमी पार्टी के शुरुआती विवाद वैचारिक मतभेदों पर केंद्रित थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था, जिसका संगठन 2011 के आंदोलन को संचालित करने के लिए हुआ था, उसके कई कार्यकर्ता राजनीतिक दल बनाने के विरोध में थे। जो समर्थन में थे उन्होंने पार्टी बनाई, बाकी अलग हो गए। नवंबर 2012 से फरवरी 2015 तक कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की या फिर पार्टी से इस्तीफा दिया। कैप्टन गोपीनाथ, एसपी उदय कुमार, शाजी अलमी जैसे लोगों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल केंद्रित पार्टी के रूप में देखी जाती है, जिसके नेता हर उस आरोप में फंसे हैं जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सिद्धांतों के खिलाफ है। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को पार्टी से बाहर करना या उन्हें हाशिए पर भेजना शुरू कर दिया जो उनकी सत्ता के लिए चुनौती साबित हो सकते थे। फिर चाहे वो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण हो या आम आदमी पार्टी के पंजाब सांसद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा या आम आदमी पार्टी के दिल्ली एमएलए पंकज पुष्कर और देवेंद्र सहरावत, अब यह आम भावना है कि आम आदमी पार्टी में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। शाजिया इल्मी और मयंक गांधी ने यही कहते हुए आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। कभी जिस कांग्रेस पार्टी का विरोध कर आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी, उसी पार्टी के समर्थन की रट लगाते लगाते आज केजरीवाल अपना सब कुछ हार चुके हैं। चाहे केजरीवाल का थप्पड़ कांड हो या आतिशी का गौतम पर गंभीर आरोप, हर जगह केजरीवाल सरकार को सिर्फ और सिर्फ मुंह की खानी पड़ी और इसका खामियाजा भी खूब भुगता, और ऐसा भुगता कि आज शायद अपनी हार पर रोने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज़।